युवा तरंग जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर मेरे लिए प्रभु यीशु का बलिदान मेरे विश्वास का आधार है। प्रभु यीशु ने 2021 साल पहले जो बलिदान दिया, उस बलिदान के द्वारा मैंने अपने पापों की क्षमा पाई है। मैंने जब यीशु मसीह को जाना और उनके बलिदान को जाना और उनके प्यार को एहसास किया, उनके इस बलिदान पर जब मैंने विश्वास किया तो मेरे पापों को क्षमा किया गया है। मेरे जितने भी पाप मैंने किए थे मैं करता हूँ, और आने वाले दिनों में मुझसे जो भी गलतियां होती हैं उन सब के लिए प्रभु यीशु ने अपने खून बहाकर मुझे मेरे पापों से आज़ाद किया है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 1:7 में, ईसा का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। जी हाँ, उसने अपना रक्त बहाकर मुझे हर पाप से शुद्ध किया है। मेरे कितने ही पाप मैंने क्यों ना किए हों, प्रभु यीशु ने अपने रक्त के द्वारा मुझे उन पापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के खून का एक एक कतरा मेरे पापों के कारण बहा, ताकि जितने भी पाप मैंने किए थे अपने जीवन में, चाहे वे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सारे पापों से मुझे मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने अपने इस बलिदान से मुझे ईश्वर की संतान बनने का मौका दिया, वरदान दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसने उन सभी को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से मुझे ईश्वर की संतान बना दिया है, और मैं ईश्वर की संतान बनकर जीवन जीऊं, ऐसी कृपा मुझे मिली है। साथ ही साथ प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा मेरे सारे रोगों को उसने अपने ऊपर लिया है और मेरे सारे रोगों से मुझे मुक्त किया है, मेरे बंधनों से मुझे मुक्त किया है। आज मैं एक आज़ादी का जीवन जी सकता हूँ। मैं गुलामी का नहीं बल्कि आज़ादी का जीवन जीता हूँ, क्योंकि मैंने यीशु के बलिदान को समझा है, उस पर विश्वास किया है। वचन में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। जी हाँ, यीशु का बलिदान मेरे विश्वास का आधार है। जब मैं यीशु के बलिदान पर विश्वास करता हूँ तो मुझे मेरे पापों से, मेरे बंधनों से, मेरे दुखों से, मेरे रोगों से मुझे मुक्ति मिलती है, और मैं एक आज़ादी का जीवन, इस संसार में रहते समय एक विजयी जीवन, एक जीत भरा जीवन मैं जी सकता हूँ। अब शैतान का, पाप का, दुख का मुझ पर अधिकार नहीं है, बल्कि जिस यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया, जिस यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, उसका मुझ पर अधिकार है और मैं उसी की संतान बनकर जीता हूँ। ये यीशु के बलिदान ने मेरे लिए किया है। यीशु का बलिदान मेरे लिए मेरे हर बंधन को खोलने को और मुझे स्वतंत्र रूप से मुझे आज़ाद किया और मुझे आगे बढ़ाया। जब मैं हर बार पाप में गिर जाती हूँ, उस बलिदान को देखती हूँ कि प्रभु मेरे लिए निर्दोष होते हुए भी वो अपने आप को कुर्बान किया है, मुझे आगे की प्रेरणा देता है। वह बिना गलती किए हुए हर कष्टों को सहा। तो जब मैं पाप में गिर जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता कि मैं पाप करने जा रही हूँ। अगर ये मैं जानती तो शायद नहीं करती, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे नहीं पता
कि मैं क्या करने जा रही हूँ क्या नहीं, ये सब लेकिन ईश्वर को पता है। वो हमें हर पल हर क्षण संभालता है, आगे बढ़ाता है। अगर उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे चुना है अपने लिए, तो वो मेरे हर कार्यों में मेरी मदद करता है, मुझे आगे बढ़ाता है। मैं उस चीज़ को स्वीकारती हूँ कि मैंने गलती किया है। अगर मैं उस गलती को नहीं स्वीकारती तो शायद अपने आप में अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस करती और उस चीज़ से और अधिक पाप कर बैठती। लेकिन मैं प्रभु यीशु के बलिदान को देखी, उनके जीवन यात्रा को देखी, बचपन से लेके मरण तक, कि वो किस तरह हमारे लिए अर्पित हुए, हमें आगे बढ़ने की उनकी शिक्षा हमारे जीवन के लिए किस तरह प्रेरणा का स्रोत है, उस शिक्षा को मैं अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ और उस शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मुझे भी गिर कर फिर से उठकर चलना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब आप पाप करते हैं तो उस पाप के द्वारा अपने आप में गिल्टी फील मत कीजिए, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। जितना आप अपने आप को नीचे और अपने आप को अपने पाप में देखेंगे, आप उतना ही दुखित होंगे। जब आप पाप करते हैं, आप उसे भूल जाइए, आप आगे बढ़िए, प्रभु यीशु के बलिदान को देखिए। क्या प्रभु यीशु कोई पाप किए थे? नहीं किए थे, फिर भी वे हमारे लिए अर्पित हुए। तो क्या हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते हैं, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते हैं? आइए हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने जीवन का उद्देश्य प्रभु के लिए बनाएं कि हमें प्रभु के द्वारा आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। प्रेमी स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि संसार में जो दुखों से दबे हुए हैं, रोगों से दबे हुए हैं, दिन रात आंसू बहा रहे हैं, वे उनके पाप क्षमा करें, उन्हें रोगों से आज़ादी दे तथा उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दे। प्रभु यीशु ने अपना आज हमें दिया है ताकि हमें हमारा कल मिल सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, यदि प्रभु यीशु क्रूस पर अपना दुख नहीं सहे होते तो शायद मैं यहाँ आज खड़ा होकर दो शब्द भी नहीं बोल पाता। मैं प्रभु के हर एक उन रक्त के लिए, बलिदान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बाइबिल में लिखा हुआ है कि प्रभु इसलिए मरा ताकि हम पापों को दोबारा न करें, हम पुराने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। क्रूस यात्रा में प्रभु यीशु जब जा रहे थे, सैनिकों ने उन्हें मारकर उनसे पूछा, यदि आप ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं तो बताइए आपको किसने मारा? फिर भी प्रभु शांत थे। क्या आज हम शांत रहेंगे अगर हमें कोई मारा? हमारे अंदर विद्रोह की भावना आ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह शायद नर्म बनने की आवश्यकता है, विनर्म बनने की आवश्यकता है, सहनशील बनने की आवश्यकता है। आज इस धरती पर जो जिंदा है, जो मर गए हैं या जो जन्म लेने वाले हैं, हर एक इंसान के पापों का बोझ 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने अपने देह पर ले चुका है। तो आज हम प्रभु यीशु के, हम इतने गवाहियों को, इतने चमत्कारों को सुनते हैं केवल प्रभु के बलिदान के द्वारा ही। आज उनके रक्त के द्वारा ही हम उनके एक एक चमत्कारों को सुन रहे हैं। हर दिन प्रभु चमत्कार कर रहा है और हर दिन प्रभु के चमत्कारों को हम देख रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे लिए यीशु का बलिदान प्रेम और स्वतंत्रता का बलिदान है, क्योंकि जब हम गुनाहों में लुप्त थे, पाप में जीवन जी रहे थे, तब प्रभु यीशु ने इस धरती पे जन्म लिया ताकि हम अपने गुनाहों से स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए और एक आनंद में जीवन को जिए। प्रभु यीशु ने हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए, आदि पाप से मुक्त करने के लिए क्रूस के बोझ को उठाए, क्रूस पर मरे, ठोके गए
और ताकि हम एक खुशी आनंद और खुशी का जीवन जी सके। जब हम आज प्रभु यीशु के बलिदान में विश्वास करेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे, तो मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार किया और मैंने पाया कि मैं एक आनंद और खुशी का जीवन जी रही हूँ। हम एक स्वतंत्र है आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से मैं आज़ाद हूँ, मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए आज भी जब मैं एक पाप करती हूँ तो मैं उस बलिदान में विश्वास करते हुए पश्चाताप करती हूँ तो प्रभु हमें फिर से स्वतंत्र और आज़ाद कर देता है। हम रोमी 5:8 में पढ़ते हैं कि हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इसे ईश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। तो मेरे लिए यीशु का बलिदान प्रेम का बलिदान है। प्रभु यीशु का बलिदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम प्रभु के बलिदान के बारे में नहीं जानते, उनके दुख भोग के बारे में नहीं जानते, तो हम प्रभु यीशु को अच्छी तरह नहीं जान सकते। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु के बलिदान में हम विश्वास करें और उसके बलिदान में आगे बढ़ते हुए प्रभु का साथ देते रहें, और इस प्रकार हम ईश्वर की संतान कहलाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने दुख सहा। अगर हम अपने जीवन में दुख नहीं सहते हैं, उनकी तरह दुख को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम उनके पुत्र नहीं और हम उनके साथ नहीं चल सकते। ईसा मसीह में मेरे सभी जवान भाइयों और बहनों को जय यीशु। तो मेरे सभी जवानों, हम सब लोग परिचित हैं एग्जीबिशन से, जहाँ पर बड़े मैदानों में बड़े मेले लगते हैं, देयर आर फेयर्स, और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वहाँ पर वो लोग नुमाइश करते हैं। कई बार गाड़ियों का एग्जीबिशन होता है, कई बार कोई आधुनिक यंत्रों का होता है, कई बार मोबाइल का होता है, ऐसे कई विविध प्रकार के चीज़ों का एग्जीबिशन्स होता है। और जब आप ऐसे फेयर या ऐसे मेलों में जाएंगे या ऐसे एग्जीबिशंस में जाएंगे, तो आप ज़रूर किसी स्टॉल पर जाएंगे तो वहाँ के जो सेल्समैन होंगे वो अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ और वो उसमें क्या बहुत अच्छी बातें हैं या क्या एकदम अलग बात है, वो ज़रूर आपको प्रदर्शित करेंगे। और उसको दिखलाने के लिए वो एक डेमो देंगे, एक प्रदर्शन करेंगे उसका। और जब वो आप डेमो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस प्रोडक्ट की क्या खूबी है। जैसे गाड़ी में एक डेमो स्टार्ट होता है या तो एक डेमो राइड होता है। अब अगर इन चीज़ों का अगर ऐसे डेमोंस्ट्रेशन हो सकता है, तो मैं अब आपसे सवाल ये पूछती हूँ, क्या प्यार का डेमोंस्ट्रेशन हो सकता है? प्यार का प्रदर्शन हो सकता है? क्या प्यार आप ऐसे दिखा सकते हैं? अब यहाँ पर एक और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये उठता है कि प्यार किसको कहते हैं? What is love? आज लव ये शब्द का अलग अलग मतलब निकलता है। जिस चीज़ के साथ आप उसको जोड़ेंगे उसके साथ एक मतलब अलग निकलेगा। प्यार की व्याख्या या प्यार का की परिभाषा बहुत अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा कहेगा आई लव आइसक्रीम, यानी उसे आइसक्रीम पसंद है। कोई जवान व्यक्ति जिसको नई नई नौकरी मिली है, वो कहेगा आई लव माई जॉब, आई लव माई जॉब, यानी वो अपने जॉब से संतुष्ट है, उसे अच्छा लग रहा है, अपनी नौकरी अच्छी लग रही है। और अगर कोई ऐसा कहेगा कि आई लव सचिन तेंदुलकर, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम अ फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, मुझे उसकी खेल में जो जिस प्रकार का वो खिलाड़ी है मैं उसे पसंद करता हूँ। पर ये क्या वाकई में प्रेम है? What is love? आज हम ये समझेंगे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं? What is true love?
बल्कि आज जो संसार में जो लव शब्द का जो उपयोग हो रहा है वो तो बहुत करप्ट हो चुका है, क्योंकि आज अधिकतर लव शब्द का अर्थ है आई लव यू, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहते हैं, तो वो अधिकतर बहुत ही भौतिक या तो शारीरिक दृष्टिकोण से ही कहा जा रहा है कि आई लव योर ब्यूटी, मुझे तुम्हारी सुंदरता अच्छी लगती है। पर वाकई में सच्चा प्यार क्या है? तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है लव, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 29 में। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक फरीसी आते हैं और फरीसी ने सवाल पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब जाकर प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, और अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि तथा अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। तो देखिए यहाँ पर चार बातें प्रभु यीशु ने प्यार के बारे में बता दी, बुद्धि, आत्मा, शक्ति, हृदय, ये सारे पहलुओं से हम प्यार कर सकते हैं प्रभु को। और फिर आगे चलकर प्रभु कहते हैं दूसरी आज्ञा उसी समान है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो आज हम समझेंगे प्यार अर्थात क्या। संत पौलुस ने प्यार की एक सुंदर व्याख्या दी है, प्यार पर एक बहुत छोटा सा अध्याय है, कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 13 और जिसमें 13 वचन ही है, और उसमें वचन 4-8 वहाँ प्यार की व्याख्या है। यहाँ पर प्रेम के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, और शायद ऐसा प्रेम हम कुछ लोगों में कुछ हद तक हम देख भी सकते हैं। और हम जानते हैं इतिहास में रोमियो जूलियट की कहानी, ही रांझा की कहानी, लैला मजनू की कहानी, जहाँ ये प्रेमियों ने एक दूसरों के पर इतना प्यार था कि उन्होंने अपने जान कुर्बान किया है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक ये प्रेम प्रदर्शित किए हैं। पर प्रेम आखिर में है क्या? क्या प्रेम एक गुडी गुडी फीलिंग है, केवल एक भावना है, केवल एक इमोशन है? नो, लव इज अ कमिटमेंट, लव इज सैक्रिफाइस, एक कुर्बानी है। लव देता है, प्रेम अपने यानी देता है बस, और दूसरे का जिसको आप प्रेम करते हो, आपके जो प्रेमी हैं उनके लिए, हु इज योर बिलव्ड, उनको आप सब कुछ देते हो। और इसलिए तो यीशु ने कहा योहन 3:16 में कि ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया उन्हें बचाने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए। और प्रभु यीशु ने भी इसी संदर्भ में प्रेम के बारे में क्या कहा, योहन 15:13, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रभु यीशु ने प्रेम की व्याख्या के लिए क्या कहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। देखिए यहाँ पर वापस अर्पण, अपना सब कुछ न्योछावर करने की बात आ रही है। अब यहाँ पर यीशु ने कहा अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, पर ये प्रभु यीशु हम जानते हैं वो अपनों के पास आया और अपनों ने उन्हें नहीं अपनाया है। क्या उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई, उनका साथ दिया? क्या ये यही मित्र नहीं है जिनके पांव प्रभु ने धोए और कहा ये जानते हुए कि तुम लोग मुझे त्याग दोगे, मुझे छोड़ दोगे, एक ने उनको धोखा दिया, बेच डाला, एक ने तो उनको नकार दिया और दूसरे तो सभी भाग निकले, रफू चक्कर हो गए, समय आने पर कोई भी यीशु के साथ नहीं रहे। तो इसलिए तो दिखा गया है, संत पौलुस ने कहा रोमियो के पत्र में अध्याय 5:8 में क्या कहा, किंतु जब हम पापी ही थे तब
तब मसीह हमारे लिए मर गए हैं, और इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। देखिए प्रभु यीशु जो कह रहे हैं कि अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करते, पर वही मित्र उनके विरुद्ध भी जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स लव, द लव दैट वॉज शोन, दैट वॉज मैनिफेस्टेड, दैट वॉज एग्जिबिटेड। और कह रहे हैं कि मित्र, पर ये मित्र उनको साथ नहीं दे रहे। शायद हम में से कोई ऐसा सोचेगा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, ज़रूर क्रूस पर चढ़ाया गया, पर हम यीशु के खुद के शब्दों से हम ये जानते हैं कि यीशु ने खुद अपने प्राणों को अर्पित किया है, अपनी स्व इच्छा से अर्पित किया है। तभी तो योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 18 में प्रभु यीशु ने कहा, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता है, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। तो यीशु ने खुद अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, स्व इच्छा से चढ़ाया है, अपनी जान को दांव पर रखा है, अपनी जिंदगी को न्योछावर किया है। किस कारण से, किस हेतु से, क्या किस प्रेरणा तहत, उनके मन में भावना क्या थी? उनकी एक ही एक इच्छा थी कि वो अपने लोगों को, हम लोगों को अपना बनाना चाहते थे, हमें बचाना चाहते थे, और इस तरीके से क्रूस पर उन्होंने प्रेम का प्रदर्शन किया है। तो हर बार जब यीशु ने, जब उनके हाथों में खीले भोंके गए, जब उनको कोड़ा मारा गया, हर एक खीला, हर एक कोड़ा, हर एक बार जब यीशु पर थूका गया, जब उन्होंने उपहास सहा, हर बार एक गूंज सुनाई दे रही थी, प्रभु की आवाज़ सुनाई दे रही थी, आई लव यू। ईश्वर उसके द्वारा जो सह रहे थे, उसके द्वारा ये हम पर दर्शा रहे हैं, आई लव यू। किसी भी इंसान के पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है? उनके पास उनका जीवन, और वो जीवन ही ना हो तो सब कुछ खत्म हो गया। आज एक व्यक्ति, उसके पास सबसे मूल्यवान क्या है? उसका जीवन। और वो जब वो अर्पित करता है तो वाकई में उसने अपना सब कुछ न्योछावर किया है। आज हम मार्केट में जब हम जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए एक दाम चुकाना पड़ता है, और वो दाम जब कोई चुकाएगा तो उतना वर्थ है, उतना वैल्यू है, उसका उतना दाम है। ये मोबाइल का, अगर आप एक फ़ोन लेने को, जैसे कि एप्पल का फ़ोन लेने को जाएंगे, तो वो 60,000-70,000, यानी उसका उतना दाम है। तो आप जब कोई व्यक्ति अपना जीवन दे रहा है, यानी उसने क्या दिया? उसने सबसे मूल्यवान चीज़ न्योछावर की है। सेंट टेरेस ऑफ लिस्यू कहती है, व्हेन वन लव्स वन डज नॉट कैलकुलेट। जब कोई प्यार करता है तो वो कीमत नहीं देखता, बस वो देता है। आज बीते सदी में के दो बहुत महान संत हैं, एक है संत जियाना बेरेटा मोला, शायद अनेक लोग उनसे परिचित नहीं हैं, पर वो एक फिजिशियन थी और वो एक गृहिणी भी थी। जब उसका चौथी संतान के लिए उसे प्रसूति पीड़ा, यानी वो अनुभव कर रही थी, तब जाकर डॉक्टर ने उसे साफ बतला दिया कि ये उसके ज़िंदगी, ये जानलेवा हो सकता है। और इसे बताया गया था कि इस बच्चे को हम गिरा सकते हैं, पर इस माँ ने अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने इस चौथे संतान को जन्म दिया है, जीवन दिया है। और आगे चलकर हमारी कैथोलिक रईसियाँ इनको संत घोषित करती है। संत पापा ने यही कहा कि जिसने ज़िंदगी को इतना महत्व दिया कि अपने जान को अर्पित करके किसी ने जीवन दिया है, इसे वाकई में वो संत कहलाने के योग्य है। यीशु ने जैसे कि कहा
कि मैंने जैसे किया वैसे तुम भी किया करो। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि तुम मुझे मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। तो प्रभु यीशु ने हमें एक नमूना दिया है कि तुम्हें भी वैसे ही करना है। और प्रभु यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा यूहन 13:34 में, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। जैसे भले समारी का जो दृष्टांत है, कितना सुंदर दृष्टांत, जहाँ पर यीशु को पूछा गया कि मेरा पड़ोसी कौन है, और उस दृष्टांत को बताने के लिए प्रभु यीशु ने क्या बतलाया कि एक व्यक्ति जो घायल है, जो रास्ते के किनारे पड़ा है, जो अनजान है, पर उस व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भला समारी, ना वो अपने समय को नहीं देखता, अपना जो उसका जो टाइम टेबल है उसको नहीं देखता, वो सब कुछ एक ओर रखकर दूसरे की ज़रूरत या उसको जीवन देने के लिए वो अपने आप को या वो अपने समय को गंवाता है, पैसा भी देता है, अपनी चीज़ों को भी अर्पित करता है। ये क्या दिखा रहा है? वो भी एक प्रकार से प्रेम ही प्रकट कर रहा है। प्रेम से प्रेरित होकर तो उसने किया, उसे कि उससे क्या मिलने वाला है। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं देखता, वो दूसरों का ही देखता है। इंसान का स्वभाव बहुत स्वार्थी है, मतलबी है, बट सच्चा प्रेम, जब आप यीशु के प्रेम से भरे जाओगे तो वो निस्वार्थ हो जाएगा। आप अपने स्वार्थ का दमन करते हुए आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि न्याय के दिन प्रभु हमसे बस एक ही सवाल पूछेंगे, तुमने कितना प्यार दिखाया। जब ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु अनेक दृष्टांत बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सही वस्त्र नहीं पहना था, राजा ने देखा कि सही वस्त्र नहीं पहना था, वो वस्त्र कौन सा है? प्रेम का वस्त्र। और जब यीशु कहते हैं न्याय के दिन मैं भेड़ों को अलग करूंगा और बकरियों को अलग करूंगा, तो भेड़ों ने क्या काम किया है? भेड़ों ने प्यार दिखाया है, उसने नंगे पर प्यार दिखाया, उसने भूखे पर प्यार दिखाया, प्यासे पर प्यार दिखाया, गरीब पर, बीमार लोगों पर प्यार को प्रदर्शित किया है। तो मेरे जवान भाई और बहनों, इस पवित्र सप्ताह में हमारे ईश्वर मुक्तिदाता प्रभु यीशु से ये ज़रूर निवेदन और प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे तू धरती का नमक बना दे, मैं धरती का नमक बनूं और इस संसार की ज्योति बनूं, जो अपने आप को कुर्बान कर सकता है। नमक अपना अस्तित्व गंवा देता है पर भोजन को रसमय बनाता है। ठीक मैं भी अपने आप को चाहिए अपना अस्तित्व गंवा दूँ, दूसरों के जीवन में मैं आनंद ला सकूँ, शांति ला सकूँ, और दीपक के समान, दीपक अपने आकार को, अपने रूप को नष्ट करते हुए भी दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, मेरा जीवन भी ऐसा ही हो। प्रभु मैं अनेकों के जीवन में आपके प्रेम का महक फैला सकूं, मैं जहां भी जाऊं प्रभु आपकी ज्योति सब जगह मैं फैला सकूं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने क्रियाओं से, अपने व्यवहार से, अपने आवभाव से। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूं कि आप इन शब्दों पर गौर करें। एक बहुत ही सुंदर गीत के ये शब्द है जो एक तरीके से प्रभु यीशु के बताए मार्ग को ही प्रदर्शित कर रहा है, और वे शब्द ऐसे है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। यीशु ने अपना जीवन न्योछावर करके हमें जीवन दिया, आज हम भी अपने ही अपने मालिक के पीछे चलते हुए अपना जीवन कुर्बान करें ताकि दूसरों को जीवन दे सके। गेहूं का दाना जब मर जाता है, अपने आप को मिटा देता है, तब उसमें फसल आती है। हम अपने आप को मिटाएंगे पर दूसरों के जीवन में हम खुशियाँ लाएंगे।
धन्यवाद बहन फाल्गुनी आपके सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें मंद कीजिए, अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु यीशु ने कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। ए प्रभु यीशु, तूने यही हमारे जीवन में करके दिखाया है। तूने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया है। इस प्रकार तूने हमें मित्र बनाया है। तूने कहा है, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। वास्तव में तूने अपने बलिदान के द्वारा हमें मित्र बनाया है। तू युवा था और तूने अपने बलिदान के द्वारा हर युवक युवती से यही कहा है, आई लव यू, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र बने रहो। ए प्रभु यीशु, मैं इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे इस महान बलिदान में छिपे हुए तेरे असीम प्रेम पर मनन चिंतन करते हुए तेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, हर कार्य में हर जगह तेरे साथ जुड़े रहें और तेरे उस महान प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करते हुए एक त्यागमय जीवन, बलिदानपूर्ण जीवन, ईमानदारी का जीवन, सत्य का जीवन, प्रेम का जीवन जीने के लिए हर एक भाई बहन को कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय सो।